नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस करंट अफेयर सीरीज में हम 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जसप्रीत सिंह। तो कौनसम उर्मिला देवी जो है उन्हें कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो ये जो गेम है कॉमनवेल्थ यूथ का जो गेम हो रहा है वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो 44 किलो वजन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है कौनसम उर्मिला ने, ठीक है। कौनसम उर्मिला, ये नाम आप ध्यान रखेगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मणिपुर की है ये, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 57 और 76 किलोग्राम भार यानी कि कुल 133 किलोग्राम वजन उठाकर लोगों को चकित कर दिया। ये उर्मिला का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, ठीक है। तो ये थी इस न्यूज़ के बारे में। इसके अलावा जो आपको कुछ तथ्य याद रखने हैं वो है मेलकम टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, मेलकम टर्नबुल, इनका आप नाम याद रखिएगा। और जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हो रहे हैं वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, और इसमें कौनसम उर्मिला ने पहले दिन ही वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए देखते हैं आगे। तो नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th of September। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनके जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न प्राप्त करता थे। तो भारत रत्न प्राप्त करता थे और ये महान विद्वान दार्शनिक व्यक्ति थे, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और इसके अलावा भारत के वो दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में आपको याद रखना है, शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर इन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पेगी विट्सन रिटर्न्स टू अर्थ। तो अंतरिक्ष यात्री हैं ये पेगी विट्सन, अमेरिका से ये बिलोंग करती हैं। पेगी वाटसन पृथ्वी पर लौट आई हैं ये 288 दिन, ठीक है, किसी भी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के द्वारा सबसे ज़्यादा दिन इन्होंने बताए हैं स्पेस में। तो पेगी वाटसन 57 वर्ष इनकी आयु है, सबसे वृद्ध महिला, द मोस्ट ओल्ड एज्ड वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि हैं ये, वह पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर थी, ठीक है। तो ये पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर थी, और एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक यात्रा करने का रिकॉर्ड रखती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पेगी विट्सन, 57 वर्ष इनकी आयु है, सबसे वृद्ध महिला हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं। इसके अलावा ये पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली, सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाली महिला का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो अभी हाल में इन्होंने 288 दिन जो हैं समाप्त किए हैं अंतरिक्ष में। तो उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो ये हैं कि रॉबर्ट एम लाइटफुट जूनियर इंजीनियर और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के कार्यकारी प्रशासक हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। RBI includes HDFC in too big to fail list। तो जो too big to fail list है जिसमें कि बहुत बड़े banks आते हैं जैसे State Bank of India, ICICI Bank जैसे, वो उस list में HDFC Bank यानी कि Housing Development and Financial Corporation, ये HDFC का full form है, ये भी जो है include कर दिया गया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। Reserve Bank of India ने HDFC Bank को too big to fail उधारदाता सूची में शामिल किया है, ठीक है। टू बिग टू फेल उधारदाता सूची में शामिल किया है, जो कि DSBI या घरेलू प्रणालीता महत्वपूर्ण बैंक के रूप में संदर्भित है। भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता SBI, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता SBI, अभी इसका इसके एसोसिएट बैंक्स के साथ जो मर्जर हुआ था 1 अप्रैल को, उसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इसके बाद आता है ICICI बैंक, जिससे कि ये 5 गुना बड़ा है, और निजी क्षेत्र के प्रमुख ICICI बैंक को 2015 में DSIB के रूप में वर्गित किया गया था, ठीक है। तो 2015 में SBI और ICICI बैंक को DSIB के रूप में वर्गित किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप याद रखेंगे। आदित्य पुरी साहब जो हैं वो HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं,
और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शंकरा नारायण टेक्स चार्जेस एमडी एंड सीईओ ऑफ विजया बैंक। तो विजया बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन है? शंकरा नारायण। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो आर ए शंकरा नारायण ने विजय बैंक को प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने किशोर संसी, ठीक है, पहले कौन थे? किशोर संसी के स्थान पर बैंक का काला है, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त को ये सेवानिवृत्त हो गए हैं किशोर संसी, उनका कार्यभार अब कौन संभालेंगे? शंकर नारायण। ठीक है, बैंक कौन सा है? विजया बैंक। ठीक है, तो इसकी जो टैगलाइन है वो भी आप ध्यान रखें, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो इससे जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो इससे निकल के आते हैं वो ये है, विजया बैंक का मुख्यालय जो है वो बैंगलोर में है। ठीक है, बैंगलोर में इसका मुख्यालय है। विजया बैंक को 1931 में बी शेट्टी द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1931 में स्थापित किया गया था ए बी शेट्टी के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर अपॉइंटेड एज न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, रजत पदक इन्हें मिला था 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के लिए। ठीक है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 47 वर्ष इनकी आयु है। अब तक सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे ये। ठीक है, तो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। अभी जो कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो हैं स्मृति ईरानी जी। राठौर ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में विभिन्न पदक जीते हैं। उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि इन्हें कब पद्मश्री मिला था? 2005 में। ठीक है, राठौर ने कर्नल के रूप में 2013 में सेवानिवृत्त होने से पहले भारतीय सेना की द ग्रेनेडियर रेजिमेंट में एक कमीशन अधिकारी के रूप में काम किया था। ठीक है, कमीशन ऑफिसर थे ये द ग्रेनेडियर रेजिमेंट में। ठीक है, और 2013 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। तो इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य यही निकल के आता है कि राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था शूटिंग में, और 2004 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे एथेंस में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मृत्यु हो गई है जोमड़े कीना साहब की। ये अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे। तो अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जोमेत केना का गुवाहाटी में लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ठीक है, तो जो इससे उपरोक्त समाचार में से जो तथ्य निकल के आते हैं वो ये है कि पेमा खांड, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है, पेमा खांड। इसके अलावा पीबी आचार्य जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। आसाम में लोहित नदी पर आसाम गायक भूपेन हजारिका साहब के नाम पर भारत का सबसे लंबे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा ब्रिज जो है उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है, तो वो आसाम में हुआ है, और किस सिंगर के नाम से हुआ है, तो वो है भूपेन हजारिका के नाम से। ठीक है, वो एक आसामी लैंग्वेज में गाना गाते थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। तो जो मेन इसमें ये था कि जोमड़े कीना जो है हेल्थ मिनिस्टर जो थे अरुणाचल प्रदेश के, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट इनकी मृत्यु का कारण था। तो चलिए आगे देखते हैं। तृणमूल लीडर सुल्तान अहमद इज नो मोर। ठीक है, तो तृणमूल के जो लीडर थे ये सुल्तान अहमद, इनकी मृत्यु हो गई है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये यूपीए सरकार में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है उलबेरिया निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आज की कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड खबरें।
तो ग्रीन इंडिया योजना में बड़ी लापरवाही हुई है, जंगल में काफी हजार पौधे जो फेंके गए हैं, ठीक है। तो आपको ये योजना का नाम याद रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन महोत्सव, छत्तीसगढ़ के वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण करने के नाम पर धांधली करने का मामला सामने आया है। ग्रीन इंडिया योजना, तो ये योजना जो है आपको याद रखनी है, ग्रीन इंडिया योजना। तो इस ग्रीन इंडिया योजना के तहत नहरपुर के अंतर्गत दबेना रेंज में 3 साल 2015-16-17 में 420 हेक्टेयर में 4,20,000 पौधारोपण किया जाना था, लेकिन विभाग ने हजारों पौधों को जंगल में ही फेंक दिया। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इस क्षेत्र का नाम, ठीक है, नहरपुर रेंज के अंतर्गत दबेना, नहरपुर के अंतर्गत दबेना रेंज में, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कीम थी ग्रीन इंडिया योजना, उसके तहत ये जो स्कैम हुआ है वो ग्रीन इंडिया योजना के तहत हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हायर सेकेंडरी के फर्जी मार्कशीट के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाली एक दर्जन से अधिक महिलाएं फरार हैं, ठीक है। 2003 में स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर फर्जी मार्कशीट के जरिए इन्होंने नौकरी पाई थी, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 70,000 रुपये के नकली नोट मार्केट में खपा चुके थे 6 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजनांदगांव में 100 रुपये के नोट ये छापते थे, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, राजनांदगांव में पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन लोगों को, ठीक है। इसमें दो झाड़ फूँक करने वाले बाबा भी शामिल थे, ठीक है। ये कुछ खास पॉइंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप इसे। खबर के मुताबिक पकड़े गए आरोपी खुद 100-100 रुपये के नकली नोट छाप कर मार्केट में, तो 100-100 रुपए के नकली नोट ये लोग छाप कर खपाते थे, ठीक है। राजनांदगांव में ये लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स हमारा CGPSC और CG आप मंगवा चाहिए, तो हमारी वेबसाइट www.visualcard.com पर विजिट करें। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है CGPSC के लिए, वो 15 सितंबर से चालू होने वाली है, पेड यूज़र्स के लिए रहेगी। और CGPSC e-Gyan का एंड्रॉयड ऐप जो है वो भी हम 15 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये हैं आपके लिए आज के कुछ टेस्ट क्वेश्चन। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें और अपने स्कोर को ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो हु वॉन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग? तो इसका उत्तर है किस ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग में? तो इसका उत्तर है कौनसम उर्मिला देवी, कौनसम उर्मिला देवी, ठीक है। आगे देखते हैं, जो शिक्षक दिवस है वो किन के सम्मान में मनाया जाता है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। द अमेरिकन कॉस जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया है अंतरिक्ष में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पेगी विट्सन, पेगी विट्सन, ठीक है। तो जो बैंक RBI की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है टू बिग टू फेल की, उसका नाम है HDFC, HDFC, HDFC बैंक को इंक्लूड किया गया है टू बिग टू फेल की RBI की लिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो MD CEO का चार्ज है विजया बैंक का, वो किसने लिया है? तो वो लिया है शंकर नारायण साहब ने, ठीक है, शंकर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब को पद्मश्री अवार्ड किस साल मिला था? तो इन्हें 2005 में मिला था पद्मश्री अवार्ड, 2004 में इन्हें एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था, इसके अलावा 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे आर्मी से कर्नल के पद से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर का नाम बताइए जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है? तो उनका नाम था जुनेड कीना, ठीक है, जोनेट की ने इनका नाम था। तृणमूल लीडर सुल्तान अहमद वॉज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर, तो ये टूरिज्म मिनिस्टर थे, इनकी अभी मृत्यु हुई है, ठीक है, UPA सरकार में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे फॉर टूरिज्म, ठीक है, सुल्तान अहमद नाम आपको ध्यान रखना है।
तो ठीक है, अगला जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अ स्कैम ऑफ प्लांटेशन इज फेस्ड इन छत्तीसगढ़, दिस स्कैम वॉज डन अंडर विच स्कीम? तो ये थी ग्रीन इंडिया स्कीम, यहां मैं इसका उत्तर लिख देता हूं, ग्रीन इंडिया योजना, योजना नाम था ग्रीन इंडिया योजना स्कीम जो थी, उसके अंदर ये स्कैम हुआ था। वन महोत्सव के नाम पे जितने भी पेड़ थे उन्हें जंगल में ही फेंक दिया गया था, लगाया नहीं गया था। तो छत्तीसगढ़ के किस शहर से पुलिस ने जाली नोटों में इन्वॉल्व आरोपियों को पकड़ा है? ठीक है, तो जाली नोटों में इन्वॉल्व जो आरोपी थे वो राजनांदगांव में पकड़े गए हैं, 100 रुपए के जाली नोट ये बनाते थे। चल वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आप ये हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और मैं आप सभी को आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ज्ञान को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक देना हो तो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करें। ठीक है, तो मैं आप सभी को आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।